उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहाँ के लोगों की हाथ की कला और जिस हाथरस की हींग के बिना दाल का स्वाद नहीं, उस हाथरस की जमीन को नमन करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सभी बहनों को मैं नमन करता हूँ। पिछले 9.5 साल के अंदर हमने नए भारत का दर्शन किया है, जिसमें किसी भी के साथ जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। सबका समानता के साथ में विकास हो रहा है। महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए उनको आगे ले जाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब यूपी के अंदर दंगे बंद हो गए हैं, खुशी से यहां त्योहार मनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में बेटा और बेटी में कोई भेदभाव न हो, इसके लिए सरकार ने एक व्यवस्था बनाई कि सरकार की योजना का लाभ मिले। इसके लिए 5 चरणों में 15,000 रुपये की राशि हम बेटी को शासन की तरफ से उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं। जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए अब तक ये 15,000 रुपया थी, और भाइयों बहनों अगले सत्र से हम इसको 25,000 रुपये करने जा रहे हैं। बेटी जन्म लेगी, 5,000 रुपये सीधे उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा।